कर्नाटक के हुबली में छात्रा की हत्या के विरोध में राज्य के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। दो दिन पहले हुई इस हत्या के विरोध में आज भी लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। एवीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वरा के घर के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और प्रदर्शन करते रहे। वहीं हुबली में लिंगायत संत डिंगलेश्वर स्वामी खुद अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक नेहा डिंगलेश्वर स्वामी जी की शिष्या थी और यही वजह रही कि नेहा की हत्या के विरोध में खुद डिंगलेश्वर स्वामी ने प्रदर्शन किया और इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं कलबुर्गी में जंगम समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। कुछ देर पहले ही नेहा के परिवार वालों ने जी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि लव जिहाद में नेहा की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि फयाज काफी दिनों से नेहा पर शादी के लिए दबाव बना रहा था और जब उसने मना किया तो उसकी हत्या कर दी। मैं इसे लव जिहाद ही मानता हूँ, क्योंकि वो जो फयाज नाम का जो लड़का था, मेरी बहन की क्लासमेट था BCA के अंदर, तो बैकड्रॉप हो गया था। हमारी लड़की इसी साल MCA का एडमिशन भी करवाए थे हमने, तो वो बंदा जो है, जो फयाज नाम का लड़का है, तो वो तार का इजहार किया था। हमारी लड़की ने, हमारी बहन ने रिफ्यूजल की थी, तो थ्रेटन देने लगा था कि मेरे से प्यार कर लो, मेरे से शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लड़की के पिता कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत ने दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या लव जिहाद की वजह से हुई, क्योंकि उनकी बेटी ने आरोपी फयाज का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना, वो ऐसे ही टारगेट करते हैं, जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए। इस बीच हत्या के आरोपी फयाज को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया गया कि आरोपी फयाज ने नेहा को प्रपोज किया था, लेकिन नेहा ने आरोपी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। नेहा 18 अप्रैल को कॉलेज परीक्षा देने आई थी, इसी दौरान उसने नेहा को मार डाला। हमले के बाद फयाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच कॉलेज कैंपस में हुई छात्रा की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां लड़की के पिता कांग्रेस पार्षद ने लव जिहाद में हत्या का आरोप लगाया, वहीं BJP ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने भरोसा दिया कि कानून अपना काम कर रहा है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। We don't want to support anyone. Law will take its own course mercilessly. जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की वजह से राज्य सरकार पर मामले को छिपाने का आरोप लगाया। उस लड़की का पिता कुछ और कह रहा है और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, ताकि अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है। BJP ने दावा किया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और ये सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती। मुझे लग रहा है ये लव जिहाद का पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मतांतर के साथ साथ देशांतर करना चाहते हैं। और भले इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, उसे जेल भेज दिया गया हो, लेकिन ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा। इस बीच आरोपी फयाज की मां भी मीडिया के सामने आई और इस घटना पर दुख जताते हुए राज्य के लोगों से माफी भी मांगी। मीडिया के सामने आरोपी की मां फूट फूट कर रोती नजर आई। साथ ही आरोपी की मां ने कहा कि फयाज को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेहा अच्छी लड़की थी, अगर फयाज ने ऐसा किया है तो ये दर्दनाक है और फयाज सजा का हकदार है। इस मामले पर जारी सियासत के बीच प्रदेश की मंत्री लक्ष्मी बेहालकर नेहा के घर पहुंची और उनके परिवार वालों से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया। एक रिस्पॉन्सिबल मंत्री हूं, उससे पहले एक माँ हूं। नेहा को न्याय दिलाने के लिए जो कार्रवाई हमसे बन सकती है, निष्पक्षपात, वो कार्रवाई हम कराएंगे। तो वही इस मामले को लेकर कर्नाटक के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया। Z News.